राजधानी दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉप्स ऑन व्हील्स के तहत 9 वर्ष पर दिल्ली पुलिस ने लोगों के बीच साइकिल चलाई। इसके साथ ही साइकिल के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि दिल्ली पुलिस लोगों की भलाई और सेवा के लिए सदैव तत्पर है। तस्वीरें देख सकते हैं, साउथ वेस्ट DCP गौरव शर्मा अपने तमाम पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद रहे। इतना ही नहीं, पूरे पुलिस बल के साथ साइकिल पर लोगों के अंदर एक साफ संदेश दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के जवानों का स्वागत भी किया और खुद DCP गौरव शर्मा मार्केट में जाकर लोगों से मिले और उनके हालात को समझा और उनसे बातचीत की। साथ ही DCP गौरव शर्मा ने लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके क्षेत्र में क्राइम के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वह पहले पुलिस को बताएं। साथ ही वसंत विहार की मार्केट में दुकानदारों से बातचीत की और उनके काम धंधों के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट DCP गौरव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट में कॉप्स ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान बीच बीच में ऐसे ही चलता रहेगा और इससे पुलिस की फिटनेस भी बनी रहेगी और लोगों में एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों की पुलिस है और दिल की पुलिस है। नए साल के पहले दिन के साथ इस बार भारतवर्ष हमारा जो है 75वां आज़ादी महोत्सव भी मना रहा है, तो इसमें जैसी हमारी माननीय कमिश्नर साहब राकेश अस्थाना सर की हिदायत रही है कि पुलिस का जो प्रेजेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए इलाके में। और एक तारीख को क्या होता है कि क्रिमिनल्स को ये आइडिया रहता है कि 31 की देर रात तक पुलिस ने इंतज़ाम दिया होगा और एक तारीख को सब जो है सुस्ता रहे होंगे। तो आज साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये उन क्रिमिनल्स को एक बहुत बड़ी चुनौती और एक हमने बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि हमारी जो टीम है वो इतनी तरोताज़ा है रात का अरेंजमेंट देकर भी कि वो इलाके में साइकिल पर उतरेगी, गली गली में जाएगी और हर आदमी के ऊपर पूरी निगरानी रखेगी और कार्रवाई करेगी। ये हमारा आज का मेन अभियान रहा है। सर, जो ये पेट्रोलिंग थी, इको फ्रेंडली विधि काफ़ी? देखिए, पुलिस को अपनी रूटीन ड्यूटीज़ में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा, जो हमारा पेट्रोलिंग में तेल चलता है, सरकारी पैसा तो उसमें लगता ही है, साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलता है। तो ये हमने एक नया तरीका अपना अपनाया है। आउटर नॉर्थ में मैंने इसकी शुरुआत भी की थी और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज हमने 1 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च किया है दोबारा से। ये पेट्रोलिंग हमारा पूरा अभियान है। आउटर नॉर्थ में भी ये निरंतर चला था और आपने देखा होगा कि हमने इसके विभिन्न विभिन्न अंग रखे हैं। जैसे हम RWA से मिले, MWA से मिले, मैंने खुद आइजेनियर स्कीम की मीटिंग ली। तो जब पब्लिक के बीच में पुलिस निकलती है, पब्लिक की शिकायत होती है कि पुलिस दिखती नहीं है, साल के पहले दिन DCP के साथ पूरे का पूरा जिला जब इलाके में उतर के पब्लिक से मिलेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस के प्रति उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। आपको बता दें कि साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP गौरव शर्मा ने इस नए अभियान की शुरुआत की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जब वे आउटर नॉर्थ में बतौर DCP थे तो उन्होंने इस तरह की अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान की लोगों ने खूब सराहना भी की थी। एक बार फिर से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस द्वारा इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान करीब 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 किलोमीटर तक पुलिसकर्मी साइकिल चलाते हुए नजर आए। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस के इस अभियान से क्षेत्र में अपराध पर कितना नियंत्रण लग पाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।